हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करेंगे पाइसेस, जिसमें हम प्लेकोडमी पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कार्टिलेजनस फिशेस पढ़ेंगे, उसके बाद बोनी फिशेस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो भी बच्चे नॉर्मली GIC, PGT, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी उतनी कोशिश होगी कि यहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइसेस को। देखो, किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है। फाइलम जो है कॉर्डेट्स है। क्लास जो है पाइसेस हैं। नॉर्मली इनको एन एम्यूट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो ये एन एम्यूट्स में बिलोंग होते हैं। और बोला जाता है कि जो एम्नियन है बेसिकली वो देखने को नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, तो ये एन एम्यूट्स में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस कौन कौन आते हैं, तो जो फिशेज होती हैं वो आती हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं वो दोनों के दोनों किस में आते हैं? एन एम्यूट्स में देखने को मिलते हैं। जब हम फिश की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है इक्थियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगर हम स्केट्स की, शार्क हो गया, रेज हो गया, ये सारी सारे कहां से बिलोंग करते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम इनकी स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है टॉर्पेडोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और अगर ये इतना बेसिक नहीं पता होगा तो कोई भी तुम्हें बायोलॉजी का बच्चा नहीं बोलेगा, तो ध्यान में रखना है। नाउ अगर हम फिशेस की बात करते हैं, ठीक है, पाइसेस की बात करते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकती हैं। और मैंने बताया हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, कि अगर फ्रेश वाटर में है तो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होगा, अगर मरीन में है तो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होगा, तो ये भी पढ़ लेना एक बार क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नॉर्मली बॉडी जो है इनकी स्ट्रीम लाइंड होती है। बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइंड होती है। अब स्ट्रीम लाइंड क्यों होती है? क्योंकि पानी के अंदर रहना है तो प्रॉपरली पानी के अंदर मूव करना है, तो अगर बॉडी बहुत बड़ी होती तो मूव नहीं कर पाते, ठीक है, और बहुत सामने से बहुत बड़ी होती, पीछे से छोटी होती तब भी मूव नहीं कर पाते, तो एक स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है कि प्रॉपरली वाटर के अंदर क्या है, प्रॉपरली मूव कर पाएंगे, फास्ट मूव कर पाते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी की वजह से। तो स्पिंडल शेप्ड बॉडी है और इलॉन्गेटेड बॉडी है एज वेल, तो ये भी ध्यान रखना है। ये एक इसका क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एडवांस फीचर है जो देखने को मिलता है। फिर बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द हेड, ट्रंक एंड टेल। तो हेड वाला रीजन हो गया यहाँ पे, ये हो गया ट्रंक वाला रीजन और ये हो गया टेल वाला रीजन। तो ये बॉडी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। नाउ पेयर्ड एंड द अनपेयर्ड फिन्स रिप्रेजेंट द अपेंडेजेस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे माना कि डॉर्सल फिन हो गया है, ये हमारे पेक्टोरल फिन्स हो गए हैं, पेल्विक फिन्स हो गए हैं, ये सारे के सारे फिन्स क्या होते हैं, जैसे कॉडल फिन हो गए हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं कि मूव अगर वो कर रही है तो प्रॉपरली मूव कर पाए और पानी को प्रॉपरली कट कर पाए, तो बैलेंसिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है। अब क्योंकि पानी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली गिल्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कोई लंग्स तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे गिल्स जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे हमारे बाद में पढ़ेंगे बोनी फिशेस में जो आएगा, तो वहाँ पे कुछ लंग्स तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे, तो हम बोनी फिशेस में ही पढ़ेंगे। अभी हम गिल्स पे यहाँ पे स्टिक करते हैं। नॉर्मली जो है गिल्स से ही रेस्पिरेशन होता है। क्लोज्ड टाइप ऑफ बॉडी सर्कुलेशन ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि एडवांस हो चुके हैं, तो क्लोज टाइप बॉडी सर्कुलेशन जो है देखने को मिलेगा। इंटरनल स्केलेटन कैन बी बोनी और द कार्टिलेजनस। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इलास्मोब्रैंक्स की, कार्टिलेजनस फिशेस की, तो उनमें जो इंटरनल स्केलेटन होता है कार्टिलेजनस होता है, और अगर हम बोनी फिशेस की बात करते हैं तो उनमें बोनी जो है इंटरनल स्केलेटन देखने को मिलता है, इसलिए उनको बोनी फिशेस बोला जाएगा। नाउ दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, तभी क्या कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बाहर की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, या फिर बोला जाएगा एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। पॉइकिलोथर्म्स कुछ भी नाम आता है तो ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली अगर फिश का स्ट्रक्चर देखें, एक लेटरल राइन ऑर्गन सिस्टम होता है, ये क्या होता है, एक रियो रिसेप्टर होता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक रियो रिसेप्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो डॉर्सल फिन हो गए हैं, ये एडिपोज फिन हो गए हैं, कॉडल फिन इंपॉर्टेंट है, पेल्विक फिन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरल फिन्स। नॉर्मली पेक्टोरल पेल्विक को कैसे याद रखना है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा होता है, पेक्टोरल गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल कौन सा होता है, जो शोल्डर वाला होता है, शोल्डर वाला, तुम्हारे दो हाथ यहाँ पे लटके हुए हैं ना, तो पेक्टोरल गर्डल से लटके हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। पेल्विक की बात करते हैं, पेल्विक कौन सा होता है, जो थाइज वाला होता है, ठीक है, तो वो पेल्विक गर्डल होता है। वैसे ही इनके पीछे वाले जो होते हैं पेल्विक फिन होंगे और पेक्टोरल फिन जो होंगे आगे वाले देखने को मिलेंगे, वैसे याद रखना है इनको, है ना। उसके बाद यहाँ पे गिल्स गिल्स होते हैं, गिल्स को जो कवर करता है, क्योंकि पानी अगर एक साथ आ जाएगा तो ऑब्वियसली गिल्स वहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो नॉर्मली गिल्स जो होते हैं यहाँ पे कवर होते हैं, किसकी वजह से, ओपरक्यूलम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिलरी होगा, आइज होगा, माउथ डिपेंड करता है, टर्मिनल है कहाँ पे है, वेंट्रल है, कौन सी पोजिशन में है, वो हम फिशेज टू फिशेज यहाँ पे वेरी करेगा, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम देखते जाएंगे।
नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे ब्रेन होता है और 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, अभी 12 पेयर्स नहीं आया है। तो जो लेटरल लाइन सिस्टम मैंने बताया बीच वाला, ठीक है, ये वाला लेटरल लाइन सिस्टम, ये वाला है लेटरल लाइन सिस्टम, जिसे बोला जाता है रियो रिसेप्टर, जो क्या करता है, एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। जो नॉर्मली डिस्टर्बेंस जो होते हैं, जैसे माना कि ये यहाँ पे थी, ठीक है, फिश थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पास में एक ऑब्स्टिकल है या फिर कोई बड़ी फिश आ रही है इसको खाने के लिए, या फिर कुछ भी अगर डिस्टरबेंस देखता है कि पानी में कुछ डिस्टरबेंस हो रहे हैं, तो उसको कौन रिसेप्ट करेगा, रियो रिसेप्टर, लेटरल लाइन सिस्टम जो है उसको रिसेप्ट करता है, एक सेंसरी ऑर्गन की तरह यहाँ पे काम करेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी यहाँ पे लिविंग फॉसिल है, तो लेटिमेरिया जो है सीलोकैंथ में आती थी, तो वो क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है, ठीक है। तो जब भी हम आता जाएगा तो वो मैं समझाती जाऊंगी, बट फिर भी जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Now, they are having a monocondylic skull. Question important है, मतलब क्या होता है, इनके पास में एक occipital condyle होता है, मतलब क्या हुआ, जैसे ये brain हो गया है, इनका skull हो गया है, यहाँ पे सिर्फ एक occipital condyle होता है, एक occipital condyle होता है जिसे monocondylic skull बोला जाता है। This is important, हजार बार question में आया हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। जो vertebrae होते हैं इनके एम्फीसीलस होते हैं, एम्फी का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड, और सीलस होते हैं मतलब बाय कॉनकेव होते हैं, या फिर तो डिप्रेस्ड होंगे बोथ साइड से, एंटीरियर पोस्टियर साइड से डिप्रेस्ड होने वाले हैं। देखो जैसे माना कि यहाँ पे ये एंटीरियर साइड हो गया है, ये पोस्टियर साइड हो गया है, ये वर्टिब्रल कैनाल है, यहाँ से नोटोकॉर्ड बीच में से पास हो रही है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से भी ऐसा है ये, ठीक है, यहाँ से भी ऐसा है और यहाँ से भी ऐसा है, इसको बोला जाता है एम्फीसीलस, एम्फीसीलस बोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद में रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे जो होता है एम्फीसीलस वर्टिब्रे जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम्हें वर्टिब्रे कराऊंगी ना, तो तुम्हें याद रहेगा कहाँ कहाँ पे हमने किस किस वर्टिब्रे को पढ़े थे। जैसे अगर मैं फ्रॉक की बात करती हूँ, उसमें सारे टाइप के वर्टिब्रे देखने को मिलते हैं, उसमें एम्फीसीलस भी देखने को मिलेगा, उसमें एसीलस भी देखने को मिलेगा, उसमें बहुत टाइप के देखने को मिलेंगे, तो इसलिए याद करते चलना है कि फिशेज में कौन सा मिल रहा है, एम्फीसीलस टाइप का मिल रहा है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे नेक तो नहीं होगी, ठीक है ना, अपर और लोअर आईलेट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ना टिम्पेनम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे निकेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे तो ज्यादा डेवलप नहीं होती, लेकिन आगे एम्फीबियंस पे देखेंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है निकेटिंग मेम्ब्रेन का देखने को मिलेगा। स्केल्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, स्केल जो है नॉर्मली मीजोडर्मल होते हैं, मीजोडर्मल या फिर डर्मल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मल जो स्केल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं नॉर्मली, ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब कौन कौन से स्केल्स होते हैं, हम पर्टिकुलर उसके साथ में, जैसे अगर मैं कार्टिलेज फिशेस पढ़ाऊंगी तो उसको प्रॉपरली डिटेल में वहां पे पढ़ा दूंगी, लेकिन एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कौन कौन से स्केल्स देखने को मिलते हैं, तो आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो जिसे प्लेकोड स्केल हो गए, ये हमारे कार्टिलेजनस फिशेस में देखने को मिलते हैं। ये प्लेकोड स्केल जो होते हैं नॉर्मली के होते हैं ट्राइडेंटेट होते हैं, जहाँ पे एक मीडियन स्पाइन होता है और एक बेसल प्लेट होती है, एक ये स्पाइन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ट्राइडेंटेट इनको बोला जाता है, प्लेकोड स्केल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है गेनॉइड स्केल, ये जो गेनॉइड स्केल होते हैं उसमें लेटरल लाइन कैनाल जो है ओपनिंग देखने को मिलती है और बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ जो है देखने को मिलता है, ये ग्रोथ देखने को मिलती है और बीच में क्या होता है न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो गेनॉइड हो गए। साइक्लॉइड, नाम से पता चल रहा होगा बिल्कुल साइक्लॉइड है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, उसके अराउंड में ऐसे से मूवमेंट, ये क्या है कॉन्सेंट्रिक लाइन्स ऑफ ग्रोथ है और ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, एंटीरियर साइड है, तो ये साइक्लोड टाइप के होंगे। किसमें देखने को मिलेंगे हम आगे साथ में डिस्कस करते जाएंगे, फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि किस टाइप के तो तुम्हें स्केल जो है पढ़ने हैं। एक होते हैं कॉस्मोइड स्केल जिसमें कॉस्मिन लेयर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे टेनॉइड वाले हैं, जिसके नीचे जो है बेटा क्या देखने को मिलते हैं, टीथ या स्पाइंस देखने को मिलेंगे, टीथ या स्पाइंस जो है देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में यहाँ पे कैनाल ओपनिंग देखने को मिलती है, ये इसका एंटीरियर साइड होता है और यहाँ पे एनुअल रिंग्स जो है इसमें देखने को मिलती है। पूरा डिटेल में हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, फिलहाल मैंने तुम्हें समझा दिया किस टाइप के जो स्केल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, ना यहाँ पे जो किडनी होती है नॉर्मली वो मीजोनेफ्रस होती है। मीजोनेफ्रस किडनी कैसी होती है ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से जो तुम्हारे ट्यूब्यूल जा रहे हैं, जो नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल जा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर डक्ट में ओपन हो जाते हैं, तो अगर एंटीरियर पोजीशन पे ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स मिलते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोनेफ्रोस किडनी, ठीक है। उसके बाद में अगर वो नीचे भी डेवलप हो जाते हैं, नीचे भी डेवलप हो गए, देखो यहाँ पे डेवलप हो गए, तो यहाँ पे बोला जाता है मीजोनेफ्रोस बोला जाता है। और इनकी जो ओपनिंग है वो कहाँ देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर डक्ट में देखने को मिलेगी और बाद में क्लोएका में यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो ये होता है मीजोनेफ्रोस। तो ये हमारे फिशेज है मीजोनेफ्रोस
देखने को मिलेगा और अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है इनको कम है, क्यों, पानी में ऑलरेडी बहुत रहते हैं, तो ये क्या करते हैं अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अमोनिया को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए अगर उसको बाहर निकलना है। तो क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती नहीं है तो यहाँ पे अमोनिया का यहाँ पे रिमूवल किया जाता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, इसलिए इनको अमोनोटेलिक बोला जाएगा। लेकिन जो शार्क है वो हमारी तरह यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया का रिमूवल करते हैं, यूरिया का रिमूवल करेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन है, तो ये याद रखना है। जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है, यहाँ पे भी एक तुम्हारा क्या होगा, एक एट्रियम होगा, एक तुम्हारा वेंट्रिकल होगा, उसके बाद साइनस स्पिनोसस और कोनस आर्टेरियोसस दोनों चीजें जो है देखने को मिलेंगी। अब पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखो ये हो गया एट्रियम, जो एट्रियम के पास वाला होता है वो होता है साइनस वेनोसस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिपेटिक वेन्स क्या करती है, साइनस वेनोसस के पास में आएंगी, देन एट्रियम आएगा, देन चीजें कहाँ जाएंगी, वेंट्रिकल में जाएंगी, और वेंट्रिकल के पास में जो होता है कोनस आर्टेरियोसस होता है। तो कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सा याद रखो, यहाँ पे रख लो VC याद, ठीक है, VC याद रख लो, सा याद रख लो। कोनस आर्टेरियोसस से उसके बाद बहुत सारी ब्रैंकियल आर्टरीज में जाता है और वहां पे फिर गिल्स के थ्रू वेंट्रल एओर्टा में चला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम एओर्टिक आर्चेस पढ़ते हैं तो वेंट्रल एओर्टा में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, आयो पता होगा। उसके बाद गिल्स में जाता है, यहाँ पे प्योरिफिकेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे वाटर से यहाँ पे O2 का फॉर्मेशन होता है, फिर से वो यू नो पूरे बॉडी में जाता है। तो ये सारा जो फिश का हार्ट है देखने को मिलता है, तो ये याद रखना है, टू चैम्बर्ड हार्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये नॉर्मली हो गया हमारा फिशेस का, पाइसेस का बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं प्लेकोडर्मी, जो इसकी क्लास है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इसकी स्पीशीज, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम प्लेकोडर्मी को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पे एक सब क्लास है अकेंथोडाई, इसको ही पढ़ना है और किसी को हमें नहीं पढ़ना है। अकेंथोडाई का नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइम पे जो फिशेस थी, जो प्लेकोडर्मी वाली फिशेस थी, वो साइल्यूरियन पीरियड में क्या करती हैं, यहाँ पे आती हैं, मतलब यहाँ पे उनका जो ओरिजिनेशन है वो देखने को मिलता है। यहाँ से उसके बाद में डेवोनियन आता है, डेवोनियन पीरियड आता है, और यहाँ पे पूरी तरह फ्लरिश करती हैं, मतलब अमाउंट ऑफ प्लेकोडर्म जो फिशेस थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है, बहुत अमाउंट में देखने को मिलती है। उसके बाद कौन सा आता है, डेवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, फिर आता है परमियन पीरियड, ठीक है। अब परमियन पीरियड का पता है कि यहाँ पे एक ऐसा मास एक्सटिंक्शन हुआ था जहाँ पे 95% जो मरीन स्पीशीज थी वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो ये जो परमियन आता है यहाँ पे जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो सिर्फ इतने पीरियड तक यहाँ पे रहती हैं प्लेकोडर्मी, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पीरियड याद रखना है। अब प्लेको है तो प्लेको से नाम ही पता चला होगा, डर्मी मतलब डर्मिस पे, तो यहाँ पे क्या है, प्लेट स्किन्ड बोला जाता है, आर्मर्ड बेसिकली, जिसे देखा होगा जब पुराने महाराजा वगैरह थे तो वो अपने अपने आप को कवर करने के लिए, तीरों वगैरह से बचाने के लिए पूरा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पहनते थे, ठीक है, आर्मर्ड फिशेस की तरह, ठीक है। तो आर्मर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक इनका स्ट्रक्चर जो है ऐसा देखने को मिलता है। और निडल फाइंड जो शार्क्स हैं उनको ये भी बोला जाता है। अर्लिएस्ट फॉसिल ऑफ द फिशेस फ्रेश वाटर में नॉर्मली अगर देखने को मिलता है तो प्लेकोडर्मी के देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ऐसे फॉसिल है जो फ्रेश वाटर कंडीशन में देखने को मिले थे। अब मैंने बता दिया है साइल्यूरियन में इन्होंने यहाँ पे ओरिजिन होता है इनका, डेवोनियन में पूरी तरह फ्लरिश होती है, और परमियन में इनका एक्सटिंक्शन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जॉ सस्पेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जॉ सस्पेंशन से आता है, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक बार जब हम जॉ सस्पेंशन पढ़ेंगे और तुम अगर ये पूरा कंप्लीट होगा तो हमें चीजें जो है क्लियर होंगी। यहाँ पे ऑटो डायस्टेलिक होता है, इसका मतलब क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। ऑटो डायस्टेलिक का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा होगा ये पैलेटो क्वाड्रेट हो गई है बेटा, ये वाली क्वाड्रेट हो गई है, यहाँ पे ऑटिक प्रोसेस होती है, ये मेकल्स कार्टिलेज हो गई है, ये खैर पता होना चाहिए जब हम जॉ सस्पेंशन पढ़ेंगे तब हम इसको प्रॉपरली बात करेंगे, डोंट वरी। तो ऊपर वाली पैलेटो क्वाड्रेट हो गई है, नीचे वाली मेकल्स कार्टिलेज हो गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हायोड आंख है, ऊपर वाला हायोड मैंडिबुलर है, और ये वाला गिल क्लेफ्ट है। अब इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है हायोड मैंडिबुलर से या फिर हायोड आंख से, कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है ना। ये जो स्कल से अटैचमेंट है, जो ये स्कल है बेटा, ठीक है, जो स्कल से अटैचमेंट है ये लिगामेंट्स के थ्रू है, लिगामेंट्स के थ्रू है, पोस्टियर जो लिगामेंट है सिर्फ उसके थ्रू है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिगामेंट जो है एंटीरियर पोस्टियर इसको ऐड कर रहे हैं थ्रू द स्कल, लेकिन यहाँ पे कोई भी रोल जो है हायोड का नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हायोड मैंडिबुलर का कोई रोल नहीं देखने को मिल रहा है, गिल क्लेफ्ट का कोई रोल देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बोला जाता है ये सबसे प्रिमिटिव है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ऐसी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑटो डायस्टेलिक जो जॉ सस्पेंशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। गिल्स कवर्ड विद ओपरकुलम, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे गिल्स हो गई है, यहाँ पे क्या होता है ओपरकुलम प्रेजेंट होता है जो उसको कवर करता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हेट्रोसर्कल कॉडल फिन देखने को मिलता है। हेट्रोसर्कल मतलब क्या हुआ, देखो ये एक पर्टिकुलर टेल वाला रीजन हो गया है, यहाँ पे क्या है कॉडल फिन, यहाँ पे दूसरा वाला कॉडल फिन हो गया, मतलब क्या हो गया, एक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दो चीजें अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोसर्कल कॉडल फिन।
तो यहाँ पे दो लोब्स जो है देखने को मिलते हैं, दोनों लोब्स अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोसेकल बोला जाता है। तो हेट्रोसेकल कॉडल फिन जो है वहां पे देखने को मिलेगा, डॉर्सल स्पिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिससे मैंने बताया कि ये क्या है, आर्मर्ड फिश है, आर्मर्ड फिश है। तो यहाँ पे स्पाइन जो है काफी देखने को मिलते हैं, डॉर्सल फिन स्पाइन हो गया है, ये वाला स्पाइन हो गया है, इंटरमीडिएट स्पाइन हो गए हैं, पेल्विक फिन स्पाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे ये काफी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड और पेयर्ड फिन्स दोनों देखने को मिलेंगे। जो कॉडल फिन है वो हेट्रोसेकल है, स्केलेटन जो है बोनी है, अभी बोनी है, ऐसा कुछ है नहीं कि कार्टिलेजनस हुआ हो या फिर कुछ और हुआ, तो बोनी जो है, स्केलेटन जो है देखने को मिलता था, फ्रेश वाटर में मिलती थी। एग्जाम्पल याद रखना है, क्लाइमेटियस जो है एग्जाम्पल है, स्पाइनी शार्क बेसिकली इसको बोला जाता है, या फिर प्लेट स्किन बोला जाता है, आर्मर्ड बोला जाता है, नीडल फिन शार्क बोला जाता है। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर स्पाइनी शार्क लिखा आएगा तो हमें लगेगा अच्छा ये तो इलास्मोब्रैंक से बिलोंग करता है, अच्छा ये कार्टिलेजनस से बिलोंग करता है, तो ये वहां से बिलोंग नहीं करता है, क्लाइमेटियस जो है प्लेकोडमी से बिलोंग करता है और एक्सटिंक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सकता है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी उसके लिए कार्टिलेजनस फिशेस के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। उसके बाद बोनी फिश हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे ही दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर आपका एप्स हो जाएगा, फिर मैमल्स होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे उसका किडनी कैसा है वो एक साथ मैं पढ़ा देती हूँ, और जब हम कंपेरेटिव पढ़ेंगे सारा का सारा, तो वहां से पूरी चीजें जो होंगी तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली क्लियर होंगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।